इन दिस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं रियल एग्जाम की रीडिंग, कि आप रीडिंग में 9 बैंड स्कोर तक कैसे ले सकते हो। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन रिसेंट जो एग्ज़ाम होकर गया है, 6 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, वहां पर 2 रीडिंग के पैसेज फ्रॉम है अवर PDF। हमारे PDF में से 2 रीडिंग के पैसेज देखने को मिले। 1 गुड न्यूज़ एक और है, आज रिजल्ट आया है 29 जून स्टूडेंट्स का, मतलब 29 जून को जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका आज रिजल्ट आया है। मॉर्निंग मैंने वीडियो अपलोड करी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसमें मैंने क्लास के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी मैं आपको रीडिंग की क्लास के में बारे में बताऊँगा, 14 में से 14 आंसर कैसे आप ले सकते हो। देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि फेक बन जाते हैं फ़ोटो ये वो, तो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं बनती। आप कहीं से भी कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा होता है वो रिकॉर्ड होता है। और 2 पैसेज फ्रॉम है अवर PDF विद, मैं आप लोगों के लिए प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए आप मुझे WhatsApp के ऊपर मैसेज कर सकते हो, WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो आज ये रिजल्ट आया है, 9 बैंड स्कोर आए हैं स्टूडेंट के, 9 बैंड स्कोर रीडिंग, 9 बैंड स्कोर इन राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी के 7 हैं, किसी के 7.5 हैं, किसी के 8.5 बैंड स्कोर है। अगर आप भी ऐसा रिजल्ट लेना चाहते हो तो ये रिजल्ट था 29 जून का। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, 24 जून को एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के प्रूफ आपको मिलेंगे इस पेज के ऊपर। देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है IELTS वाला इंडिया, इसको सर्च करना अपने फ़ोन में और इंस्टाग्राम पे चले जाना, 100% सेम आपको ये प्रूफ मिलेंगे, स्टूडेंट का रिजल्ट मिलेगा 99 बैंड स्कोर। किसी को चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, WhatsApp के ऊपर मैसेज कर सकते हो, इस क्लास को 100% अटेंड करें। अगर 9 बैंड स्कोर नहीं तो नियर अबाउट 6.5 बैंड स्कोर तो मेरे आने चाहिए। ये रियल एग्जाम की रीडिंग है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन कार्स। तो ये रीडिंग है जो आई थी 28 जनवरी एग्जाम में, 28 जनवरी जो अभी होकर गया है जस्ट एक दिन पहले, तो वहाँ पर ये हमें रीडिंग देखने को मिली थी। इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स कि कैसे आप नो मोर देन 3 वर्ड्स को कैसे यूज कर कर आप 8, 9, 10, 11 और 12 को राइट कर सकते हो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 8 और 9, 11 और 12। 10 है जो ये आपने करनी है, तो मीन्स 4 फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको सिखाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड दूसरी आपने खुद फाइंड करनी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम अपनी रीडिंग की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप घर पर बैठकर अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या घर पर बैठकर आप स्टडी कर रहे हो, तो यकीन मानिए, ट्रस्ट करें IELTS वाला इंडिया के ऊपर, आप घर पर बैठे भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, वो भी नियर अबाउट 6.5 बैंड स्कोर के साथ, अगर आपकी इतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें, मॉर्निंग मैंने राइटिंग की वीडियो अपलोड करी थी, डेली आपको ऐसी ही वीडियो आया करेंगी रियल एग्जाम रीड। बट जो उसका आंसर होगा, उसका आंसर हमेशा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल दैट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एंड साथ के साथ वो आंसर हमें मिलेगा पैसिव में। आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर में सीखा होगा एक्टिव एंड पैसिव, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, डाउटिंग की आएंगी। किसी को प्रेडिक्शन चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे कीवर्ड्स। सबसे पहले एक चीज़ आप अपने माइंड में फिट कर लें, जब भी आपको रीडिंग आए तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, मीन्स कि जहाँ तो फिर एक्टिव में देखने को मिलेगा, हमें हमेशा ही क्वेश्चन चाहे कितनी भी टफ रीडिंग आ जाए, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में, पढ़ने में स्पेलिंग मेरे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ 22 ईयर ओल्ड का जस्ट। और सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर हमारा होगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्लस पैसिव, और इस पैसिव के साथ वो 2 वर्ड और भी ऐड करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी एंड सिनोनियम।
ये वर्ड के साथ हमें हमारा आंसर देखने को मिलेगा। आप चीज़ एक अपने माइंड में फिट कर लो, आंसर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्लस पैसिव में आएगा, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा वोकैबुलरी प्लस सिनोनियम। बट जो इसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही सिंपल तरीके में मिलेगा एक्टिव में, एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, तो यहां पर जो आंसर है, देर इज नो रीजन दैट वी विल रन आउट ऑफ हाइड्रोजन, कि इसका कोई कारण नहीं है कि हम हाइड्रोजन से निकल जाएंगे। इट इज द डैश दैट एग्जिट्स, कि मतलब उससे बाहर ऐसी क्या वस्तु है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी गैस है जो हमें बाहर निकाल देगी। अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। आपने देखा ना, ये सिंपल में, मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन है वो सिंपल में ही दिखने को मिलेगा। ये रीडिंग बहुत गंदी थी, इसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इन्होंने लिखा है देर इज ए नो रीजन, कि देर इज ए नो रीजन कि कोई कारण नहीं है, तो यहां वहां पर कुछ और तरीके से लिखा होगा। मतलब मैं आपको कहूं कि आईलेस आप बाहर जा सकते हो, बट वहां पर मैं आपको यही नहीं कहूंगा कि आईलेस करना जरूरी है, आपको बैंड लेने जरूरी नहीं है। तो मींस इस तरीके से ये एक ट्रिकी रीडिंग थी, काफी ज्यादा मॉडरेटर लेवल की। तो यहां पर देर इज ए नो रीजन दैट, कोई कारण नहीं है, ये हमारा वर्ड हो गया कि कोई कारण नहीं है। अब इसको आप सोचो कि इसके और कौन कौन से वर्ड निकल सकते हैं, कौन कौन से मीनिंग निकल सकते हैं। अपने माइंड पेपर आपको थोड़ा सा प्रेशर देकर इस चीज को फाइंड करना होगा। वी विल रन आउट कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं, कम आउट हो सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, सारी दुनिया में कैसे ये चीज पॉसिबल है, इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा। एज इट इज डैश कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो एकदम निकल जाएगी। चलो, इसका आंसर हमें टू पैराग्राफ्स में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। देखिए, रिकॉर्ड गैस प्राइजेज आर मेकिंग रोड ट्रिप्स मोर एक्सपेंसिव, कि जो रोड गैस प्राइजेज है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं देन एवर, मतलब कि ऐसा उनको लगता है। बट उन्होंने लिखा बट, अब इसका कारण है, जब भी बट आपको देखने को मिले, बट देखने को मिले या फिर मोर ओवर हाउ एवर थीज टाइप ऑफ कीवर्ड्स आपको देखने को मिले, समझ लेना कि आंसर उसके आसपास ही पड़ा है आपके क्वेश्चन का। ये गारंटी है, क्योंकि ये कीवर्ड हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमारे भी 99 बैंड ऐसे नहीं आए, एक्सपेरिमेंट कर कर ही आए हैं। और दुनिया में अगर एयरप्लेन बनाए, बल्ब बनाए, आपके हाथ में एक गैजेट है मोबाइल फोन, ऐसे नहीं बना, इसको हजार बार पहले यूज करा गया होगा, एक्सपेरिमेंट करें देन जाकर आप इसको यूज कर रहे हो। सेम हेयर इंसेक्टेड ऑफ गैस, जो गैस होती है, यूर कार रन ऑन द मोस्ट, देखिए उसने क्या कहा, योर कार रन ऑन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अवर यूनिवर्स, कि मतलब कि जो हमारी ये कार है, कार रन ऑन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अवर यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स में ये एक अबंडेंट एलिमेंट, जो एक कहते ना कि अधिकांश प्रचार एक त्रव होता है, जैसे हम जैसे ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल, सेम टाइप का ये एक पदार्थ होता है कि जो हमारे यूनिवर्सल में एग्जैक्ट करता है। तो मैनी एक्सपर्ट्स थिंक दैट, कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं जहाँ वैज्ञानिक हैं, वो सोचते हैं हाइड्रोजन विल रिप्लेस इन पेट्रोल, कि जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगी पेट्रोल में, डीजल में। नेचुरल गैस एज द मेन फ्यूल फॉर कार्स, कि जो नेचुरल गैस है ये मेन फ्यूल बन जाएगा किसके लिए, एक कार्स के लिए। आपको समझ में आया, मैंने एक एक वर्ड कोशिश की है आप लोगों को ट्रांसलेट करने की। बट यहां पर क्या पूछ रहा है कि देर इज ए नो रीजन, कि कोई कारण नहीं है, दैट वी विल रन आउट ऑफ हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन से वो कहते हैं एग्जैक्ट हो जाएंगे। अब आप इसका आंसर देख सकते हो कि उसने पहले ही हमें बता दिया है कि बट, उसने पहले बताया कि एक्सपेंसिव है, बट इफ गैस यूर कार रन ऑन द मोस्ट, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है, मोस्ट एविडेंट एलिमेंट, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो ये रहा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अवर यूनिवर्सल, की हमारी जो सारी दुनिया में जो सबसे जो त्रव है, जो पदार्थ है, वो कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अवर यूनिवर्स। बट इसके बाद उसने क्या कहा कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने कर रखे हैं वो हाइड्रोजन के हैं, रिप्लेस वो पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस ये चल रही हैं, बट हाइड्रोजन और जो कार्स वगैरह उसमें वो
एग्जैक्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं वो बाहर निकाल सकते। तो मोस्ट एविडेंट एलिमेंट जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझने में कोशिश की होगी, आपने भी मेरा साथ दिया होगा, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं भी अधूरा हूँ, आपके साथ बिना मैं भी नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि मुझे भी समझने में समझाने में आपका साथ चाहिए, मुझे समझाने में आपका भी हेल्प चाहिए, सो आई कैन डू इट। ठीक है, आपको इस तरीके से हमें आंसर देखने को मिलेंगे आपकी रीडिंग में, जो इन द फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, हैव बीन डेवलप्ड बाय कंपनीज टू प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, कि हैव बीन डेवलप्ड डिवोटेड मींस कि डिवोटेड कर चुके हैं, क्या उन्होंने क्या किया है, हैव बीन डिवोटेड बाय कंपनीज, भी कंपनीज ने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, अब देखिए ध्यान सुनिए कि मैंने कहा ये एक चीज पैसिव में आ गई, उसने बाय कंपनीज लगाए, हैव बीन डिवोटेड बाय कंपनीज, कि काफी ज्यादा कंपनीज ने वो डिवोटेड होता कि दिया, उन्होंने को मतलब इन्वेस्ट किया कह सकते हो, दिया कैसे, कंपनीज टू प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे डिवोटेड किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, दान कह सकते हो, ऐसे कौन सी चीज़ की है, तो हम अब उसको फाइंड करने चलते हैं ऊपर अपने क्वेश्चन में। तो याद रखना अपने हमारा सबसे मेन कीवर्ड कौन सा है, डिवोटेड, मेन डिवोटेड का मैंने आपको सिनोनिम सोच लो, दान किया, इन्वेस्ट किया कह सकते हो, दान किया कह सकते हो, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं डियर, आगे से मैं इससे भी अच्छा कोशिश करूँगा। तो ट्रक्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, मतलब फ्यू डेकेड आने वाले कुछ सालों में वो चीज़ क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसा आपको कहा देख सकते हो ऊपर, ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चर अराउंड द वर्ल्ड, कि जो ऑलरेडी कार, जो कार बनाते हैं, जो कार्स के पार्ट्स वगैरह बनते हैं सारी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड हैव इन्वेस्टेड, और देखो इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ डॉलर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको आपका आंसर मिला, मुझे तो मेरा आंसर मिल चुका है, मैंने आपको पहले ही इसका कीवर्ड बता दिया था, सिनोनिम्स बता दिए थे, कि आप जब रीडिंग करो आपने भी सेम कीवर्ड, सेम वोकैबुलरी वर्ड सोच कर रखने हैं। वहां पर इन्होंने क्या दिया, डिवोटेड, कि डिवोटेड का मतलब होता है दान किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या इन्वेस्ट किया, क्या योगदान दिया, तो यहां पर भी इन्वेस्टेड की बात करी गई है। तो जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, बिलियन ऑफ डॉलर्स, तीन वर्ड उन्हें बोला है, बिलियन ऑफ डॉलर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसने सर्च किए, कार बनाने वाली कंपनीज ने, तो यहां पर भी किसकी बात कर रहा है, कंपनीज टू प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उसने नहीं लिखा, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए कंपनीज ने क्या डिवोटेड किया, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डिवोटेड किया जिसकी वजह से बिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने क्या किए थे, खर्च किए, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट है हाइड्रोजन गैस बनाने को कंप्लीट होने की कदार पर है, मीन पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा 12 कौन सा 12 ही है ना 9 सॉरी 9 का क्वेश्चन का आंसर है, 9 का क्वेश्चन आंसर है बिलियन ऑफ डॉलर्स। उसके पहले जो हमारा आंसर था मोस्ट एविडेंटेड एलिमेंट, ये हमारा आंसर देखने को मिला। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब डायरेक्ट ये आप फाइंड करोगे, ये मैं फाइंड करता हूँ, कैसे करोगे, कौन से पैराग्राफ में करोगे, मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। इन्वेस्टिगेशंस हैव प्रूव्ड दैट, कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, कोई टेक्निकल हो सकता है, कोई पुलिस के ऊपर, पुलिस भी हो सकती है, मोस्टली यहाँ पर पुलिस नहीं आएगी, साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन हैव प्रूव्ड दैट, कि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन्होंने प्रूव किया है, डैश वाज द कॉज ऑफ हिंडनबर्ग डिजास्टर, कि जो हिंडनबर्ग डिजास्टर है उसका कारण क्या है, कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया है कि डैश कि जो कॉज ऑफ द हिंडनबर्ग डिजास्टर उसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रूव किया है। चलो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, तो कोशिश करनी है पहले हमें कीवर्ड्स फाइंड करने की। कीवर्ड्स फाइंड जब हमें हो जाता है,
इन्वेस्टिगेशंस को आप क्या नाम दोगे, आप सोच भी सकते हो, रिसर्च कह सकते हो या कुछ भी। लेट्स सी, अब हम अपना देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमें कौन सा वो सर्च देखने को मिलता है। तो हिंडरबर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, बट हमारी जो बात है वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, भाई इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया है, तो हमें ये लाइन को फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी करते हैं हम फाइंड आउट। तो दहाँ पर देख सकते हो कि रिमेंबर द हिंडरबर्ग दैट्स इज अ परहेज ऑफन हेड, कि उन्होंने हाइड्रोजन इट डिस्कस्ड, कि उन्होंने डिस्कस्ड किया था, सुना था इसके बारे में, देन उन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में। दिस जर्मन पैसेंजर एयरशिप द कैप्टन ऑफ द हाइड्रोजन क्रश द फ्लेम इन द कमिंग टू द लैंड लेक हर्स्ट न्यू जर्नी यूएसए 1993 35 पीपल डाइड। कि जब उन्होंने सर्च वगैरह की, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, तो 35 पीपल 1997 में यूएसए में 90 मई 1937 में 35 पीपल है वो मर चुके थे। नाउ अडेज हीलियम विच कैनॉट बी बर्न इन द गैस इन द चॉइस ऑफ द लेटर इन द एयरक्राफ्ट। कि उन्होंने कहा कि हीलियम विच कैनॉट बर्न, कि जो हीलियम गैस वगैरह है, कि एक ब्लू कलर का पदार्थ होता है, कि जो जिसको जल्दी आग वगैरह नहीं लगती, तो चॉइस द लाइटर देन एयरक्राफ्ट, कि लाइटर में वो चीज़ डालने लगे देन एयरक्राफ्ट से। हाइड्रोजन इज द हाईली फ्लेमेबल बट रिसेंट रिसर्च, देखो कि हाइड्रोजन है जो ये एक हाईली फ्लेमेबल है, बट रिसेंट रिसर्च में क्या कहा गया, अब देखो हमारी इन्वेस्टिगेशन वाला यहाँ पर आ चुका है कि बट रिसेंट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट द एयरशिप फैब्रिक नॉट हाइड्रोजन वाज द क्लिपिट इन द हिंडरबर्ग डिजास्टर। देखो जी हमारा आंसर हमें मिल चुका है, उसने क्या कहा था कि इन्वेस्टिगेशन हैज प्रूव्ड, इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव्ड किया है द कारण क्या है हिंडरबर्ग डिजास्टर का, इसके पीछे वजह क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस, बट रिसेंट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट, कि उन्होंने ये एक स्थिर कर दिया गया है, इसको क्लियरफाई कर दिया गया है, द एयरशिप जो फैब्रिक है नॉट हाइड्रोजन, उन्होंने कहा नॉट ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से कोई कारण नहीं है, द एयरशिप फैब्रिक है जो उसका कोई एयरशिप का कोई होता है फैब्रिक वगैरह, वाज द कल्प्रिट इन द हिंडरबर्ग डिजास्टर, कि वो एक मेन रीजन, वो एक मेन कारण है इसकी वजह का, इसके कारण का। तो मतलब कि हमारा जो आंसर है द एयरशिप फैब्रिक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की, तो ये आपको मे भी समझ में आया गया होगा। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, चलो आप 10 क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, आपका एक ही काम है, 8 मैंने फाइंड कर दिया, 9 कर दिया 11, अब आपने 12 फाइंड करना है। अब 12 का आंसर बी हॉनेस्टी आपने फाइंड करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको कीवर्ड बता देता हूं और इसका जो आंसर है वो मिलेगा आपको एच पैराग्राफ में, इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा एच पैराग्राफ में, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर आपको मिलेगा। और ये आपने फाइंड करना है हाइड्रोजन कार्स हैव द पोटेंट ऑफ द ऑफर, कि हाइड्रोजन गैस है वो क्या ऑफर करती हैं, एसोसिएट विद द टूडे आज की डेट में फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स के लिए। तो ये आंसर आप फाइंड कर मुझे कमेंट में बताओ।